बिग बॉस 15 का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है लीक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस का शो हो या कोई भी रियलिटी शो हो, तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसमें तमाम पॉइंट्स होते हैं, जिनको साइन करने के बाद ही आप उस शो में आपकी एंट्री होती है। और अगर आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बीच में तोड़ते हैं, इसके लिए आपको कुछ जुर्माना भी देना पड़ता है। तो ये कुछ तमाम नियम और शर्तें होती हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अब इस साल का जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट है वो क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं है जब बिग बॉस का इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लीक हुआ है, बट ऐसा और भी कुछ सीजन्स में हो चुका है। तो अब इस साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो क्या क्या कहता है, चलिए आपको इस बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट्स को पेमेंट होता है वो तीन तरीके से होता है। सबसे पहला होता है एक वीकली अमाउंट, उसके बाद एक होता है साइन इन अमाउंट, जिस अमाउंट पे वो साइन करते हैं शो के लिए। वीकली मतलब जो उनको एक हफ्ते में मिलता है, और थ्रू आउट सीजन अमाउंट मतलब जो पूरे सीजन का होता है। तो ये तीन तरीके होते हैं पेमेंट के, जिसके तहत बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको पेमेंट दी जाती है। अगला पॉइंट होता है कि किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि जो डिवाइसेस होती हैं, खास करके मोबाइल फोन, हेडफोन, ये सब बिग बॉस के घर में आप जा रहे हैं तो आपको अलाउ नहीं है, और ये पॉइंट्स साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किए जाते हैं। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि जैसे कि किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट का अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो वो ये चीज़ कुछ टाइम तक नहीं बता सकते, सोशल मीडिया पे इस बारे में उनको जानकारी नहीं देनी होती है, और इसे सीक्रेट रखना होता है। और ये कब तक के लिए करना होता है वो समय भी बिग बॉस खुद निर्धारित करते हैं। और अगर इसके पहले आपने जानकारी दे दी इस बारे में, तो आप इस चीज़ के लिए जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट में ये भी एक क्लॉज आता है। अब अगला पॉइंट आता है, जैसा कि आप ये तो जानते ही हैं कि दिन में सोना नहीं है, कोई भी फिजिकल फाइट नहीं हो सकती, इस तरीके के तमाम पॉइंट्स होते हैं बिग बॉस के कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि अगर आप शो को बीच में ही छोड़ देते हो, तो आपको 1 करोड़ का फाइन देना पड़ता है। कई दफा तो ये सेलिब्रिटीज के लिए 3 करोड़ भी हो जाता है। अगला पॉइंट होता है कि जो एडिटिंग का प्रोसेस होता है दोस्तों, मतलब कि जो आप टीवी पे 1 घंटे का शो देखते हो, उसमें क्या कंटेंट जाएगा, एडिटर्स जो एडिट करते हैं उसमें जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके कोई भी तरीके के इसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, इसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके का कंटेंट दिखाना है या ये नहीं दिखाना है, वो इस तरीके के कोई भी पॉइंट्स नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो जानते हो कि बिग बॉस का जो शो है वो 24 घंटे कुछ ना कुछ होता रहता है घर में। अब आपको वो दिखाया जाता है जो उनके हिसाब से इंटरेस्टिंग हो सकता है दिखाना, तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी दखल अंदाजी नहीं चल सकती। अब साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स में पॉइंट होते हैं इनके, ये जो कंटेस्टेंट्स के घर वाले हैं, इसमें उनसे भी एसोसिएशन होता है। अगर वो कुछ ऐसा करते हैं या उनके घर वाले किसी इवेंट पॉइंट को ब्रीच कर देते हैं, तो यहाँ पे जुर्माना कंटेस्टेंट्स को भी भरना पड़ जाता है। तो ये कुछ तमाम पॉइंट्स हैं जो कि इस बार बिग बॉस सीजन 15 के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किए गए हैं, और ये डॉक्यूमेंट हो चुका है लीक। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है बिग बॉस का, हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरीके से बिग बॉस सीजन 15 की हर एक खबर को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।